थैंक यू। एलविश आ जाओ। मैंने इस घर में बहुत सारे दोस्त बनाए, ऑलमोस्ट सभी, और बहुत लोगों से कुछ सीखा भी है। पूजा जी के साथ मेरी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, और अभिषेक को मैं पहले से पर्सनली जानता हूँ, तो वो तो रहेगा ही हमारा। बट यहाँ मैं मनीषा को मिला, तो मैं उनको देना चाहूँगा ये, क्योंकि मेरी वाइब काफ़ी मैच होती है, मतलब कॉमेडी टर्म्स में भी और अंडरस्टैंडिंग में भी। और दूसरा रीज़न ये है देने का कि हम सिर्फ फ्रेंड्स तक ही रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा। बहन, बहन बना रहे हो। राखी, राखी बन रहे। हाँ। थैंक यू। लेकिन अब रास्ते पे देख लेना इसको। बहुत बार बहुत देखना चाहता है लोगों को। और मैं बेबिका जी को इसमें डालना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जैसे जो मैंने किया मैंने रियलाइज करा बहुत दिल से, और मैंने सच में, मतलब मैं इतनी बातें कभी करता नहीं किसी लड़की के पास जाके सॉरी और ये सब, मैंने बहुत करा ट्राई, खीर तक बनाई मैंने और सारी चीज़ें दिल से करी, बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बार बार मुझे गिनवाई, बार बार वही, तो चुभी मुझे। बेबिका की एक खास क्वालिटी ये है कि बेबिका को ऐसा चाहिए कि मुझे बार 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 माफ करो, नहीं। लेकिन लेकिन जब उल्टा आता है तो बेबिका में ये क्षमता नहीं, ये शक्ति नहीं है कि वो किसी और को माफ करें। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। प्रूव इट, प्रूव मी रॉन्ग। आई विल वर्क ऑन दिस। वर्क ऑन। फ्रेंड्स, बिग बॉस में एलविश यादव को अपना फ्रेंडशिप बैंड देने के लिए चुना गया, तो एलविश यादव ने इधर मनीषा को अपना फ्रेंड बनाया। और एलविश यादव ने यही नहीं, यह भी बोला है कि मनीषा ओनली मेरी फ्रेंड रहेंगी और उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो सलमान खान ने भी बहुत इनका मजाक भी बनाया, कहा कि मनीषा को अपनी सिस्टर बना लो। तो एलविश ने बोला कि हाँ ऐसा ही। माफ़ करना सबसे बड़ा सवाब है। ठीक है सर, चलो आ जाओ, फिनिश इट। पहले तुम डालो अंदर। चलो वजन भी कम हो गया सर। आ जाओ, खत्म करो, गले लगो, फिनिश इट। आई डू, बस दोहराना मत। नहीं, मैंने दोहराया भी नहीं। आ जाइए।